सुंदरवन नाम का एक जादुई जंगल था जिसमें जानवर और आदिवासी सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल में प्रकृति देवी का राज था जिस कारण जंगल में ऐसे सुंदर सुंदर फल फूल उगते थे जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते थे। वहाँ के सभी पेड़ पौधे हीरे मोती की तरह चमकते थे। जय हो प्रकृति माता की। हे माता, आप हमारे जंगल में इसी तरह कृपा बनाए रखना। यहाँ के फल और फूल सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचे दामों में बिकते हैं, इसीलिए हम सभी जंगल वासियों को आपके राज में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है माता। एक दिन उधर से गुजरते हुए एक लालची बिल्डर धनी सिंह की नज़र उस जंगल पर पड़ती। वो इसे देख खुशी से फूला नहीं समाता। वाह 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 वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है। अगर इस जंगल पर मेरा कब्जा हो जाए तो मैं करोड़पति से सीधे अरबपति बन जाऊंगा। अभी मैं अपने गुर्गों को फोन करता हूँ। सुनो साथियों, जल्दी से सुंदर बना जाओ। कुछ ही देर में धनी राम के कई साथी वहाँ पर आ जाते हैं। धनी सिंह उन्हें लेकर शेर सिंह और जग्गू के पास जाता है। प्रणाम महोदय, आप दोनों में से इस जंगल का राजा कौन है? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इस जंगल की असली महारानी प्रकृति देवी है जिन्होंने मुझे इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा और जग्गू को मनुष्यों का राजा बनाया है। वैसे तुम हमसे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हो? धनी सिंह नोटों के ढेर सारे बंडल और ढेर सारा हिरण का मांस जग्गू और शेर सिंह के सामने रखते हुए बोलता है। मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए दोनों महाराज। जंगल के बाहर का इंसान जंगल में आकर हमें रिश्वत दे रहा है, बात कुछ हजम नहीं हुई। वैसे भी हमें वनवासी के अलावा किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है। जल्दी से यहाँ आने का मकसद बताओ मनुष्य। दरअसल बात ये है कि मुझे ये जंगल बहुत पसंद आ गया है। अगर आप दोनों इस जंगल को मेरे हवाले कर देते हो तो जिंदगी भर ऐश करोगे। और हमें जिंदगी भर ऐश करवाने के लिए तुम क्या करोगे? अरे भाई, मैं तुम्हें पैसों से माला माल कर दूंगा और शेर सिंह को जिंदगी भर ताजा ताजा मांस खिलाऊंगा। और क्या, मैं इस जंगल की अच्छे से रखवाली करूंगा। धनी राम की बात सुनकर शेर सिंह गुस्से से आग बबूला होकर छलांग मारकर धनी सिंह को अपने पंजे के नीचे दबोच लेता है। हमारे सामने इतना घिनौना प्रस्ताव रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई दुष्ट? ये जादुई जंगल प्रकृति देवी का है। इस जंगल में केवल आदिवासी और जानवर ही रह सकते हैं, तेरे जैसे लालची लोग नहीं जो चंद पैसों के लिए जंगलों का सफाया कर देते हैं। धनी सिंह डर से थर थर कांपते हुए बोला। अरे आप तो गुस्सा हो गए महाराज। मैंने सोचा इतने खूबसूरत जंगल पर जरूर चोर उचक्कों की नजर होगी, इसीलिए मैंने तो आपके भले के लिए ही प्रस्ताव रखा था। मुझे तो तू ही चोर उचक्का लग रहा है। तू हमारी चिंता मत कर धनी सिंह, हम जानवर और आदिवासी इस जंगल में सदियों से एक साथ हंसी और खुशी रह रहे हैं। और जहाँ तक बात रही चोर उचक्कों की, तो प्रकृति देवी स्वयं इस जंगल की रक्षा करती हैं। शेर सिंह और जग्गू का जंगल के प्रति प्यार देखकर धनी सिंह हार मानकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर धनी सिंह जादुई जंगल को हड़पने की योजना बनाता है। चाहे समुद्र सूख जाए या आसमान गिर पड़े, किसी भी हाल में वो जंगल छीन कर ही दम लूंगा। वो जंगल जितना हरा भरा है उससे लगता है कि जंगल के नीचे जरूर सोने चांदी की खदानें होंगी। धनी सिंह को अकेला बड़बड़ाते देख उसकी पत्नी रज्जो बोली, क्या हुआ जी, आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं? बाहर लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है, उसे तोड़ दीजिए, मुझे चूल्हा जलाना है। धनी सिंह बाहर जाकर लकड़ियों के गट्ठर पर जोर जोर से हथौड़ा मारता है, लेकिन वो नहीं टूटता। तभी रज्जो बोलती है, इतने बड़े सेठ बन गए हो लेकिन आपको इतनी भी अकल नहीं है कि ये सभी लकड़ियाँ जब तक एक साथ रहेंगी आसानी से नहीं टूटेंगी, इसीलिए इसमें से एक एक लकड़ी को निकाल कर तोड़िए। ये सुनते ही धनी सिंह को एक आइडिया आता है और वो खुशी से चहकते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रज्जो रानी। अब मुझे पता चल गया कि मुझे उस जादुई जंगल पर कैसे कब्जा करना है। फूट डालो और शासन करो नीति से, अब मैं उस जंगल पर कब्जा करके ही रहूंगा। एक रात धनी सिंह चुपके से जंगल का पहरा देते हुए शेर सिंह पे पीछे से हमला कर उसे मार देता है।
और ये अफवाह फैला देता है कि उसे आदिवासियों ने मारा है, जिसके कारण सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं। इन आदिवासियों ने हमारे पीठ में खंजर भोंका है, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बदले की आग में सभी जानवर अपना अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं और मौका पाते ही एक आदिवासी को मार देते हैं। ये दृश्य एक आदिवासी देख लेता है और वो आकर अपने राजा को पूरी बात बताता है, जिस कारण जानवरों और आदिवासियों में भीषण युद्ध होता है और जिसमें कई आदिवासी और जानवर मारे जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? इन आदिवासियों ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की होती तो हम कितने मजे से रहते, है ना? जिस प्रकार से जानवर अफसोस कर रहे थे, उसी तरह आदिवासी लोग भी अफसोस कर रहे होते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सदियों से हम मिलजुल कर रहते थे, अचानक ये दुश्मनी कैसे हो गई? एक बात कहूँ, हमें उनसे मिलकर मशवरा करना चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है। मशवरा करने के लिए जगू जंगल की शेरनी को बुलाता है। बताओ महाराज, हमें क्यों बुलाया है? शेरनी, आखिर बताओ हमारे मित्र शेर सिंह को किसने मारा? खोनी खुद पूछता है कि खोनी कौन था। तुम इंसानों के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मैं और शेर सिंह का खूनी? हाँ, हमारे महाराज को तुम लोगों ने ही मारा है। तुम खूनी और धोखेबाज हो। धोखा तो तुम जानवरों ने दिया है। हम इंसान चाहते तो तुम्हें पिंजरे में बंद करके रख सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें अपनी ही तरह आजाद छोड़ दिया। इसका फायदा उठाकर तुम जानवर आज हम आदिवासियों को मारकर खा जा रहे हो। जबान संभाल कर बोलो महाराज, शुरुआत तुमने की है और इसका अंत हम करेंगे। हाँ, तुम्हारी सारी प्रजाति को खत्म कर देंगे। चुप हो जाओ गुस्ताख, अब अगर एक शब्द भी बोला तो सबको यहीं ढेर कर दूंगा। धमकी किसे देता है? लड़ना है तो आ जाओ मैदान में। दोनों गुटों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे देख प्रकृति देवी बहुत नाराज हो जाती है और पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो गुस्से से बोलती है, रुक जाओ, ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दोगे क्या? माता, इन्होंने हमारे कई साथियों को मारा है, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माता, ये झूठे और मक्कार हैं। इन्होंने मेरे पति को मारकर जंगल पर अकेले राज करने की साजिश की है। दोनों गुटों की बात सुनकर प्रकृति देवी नाराज हो जाती है। इस जंगल की सुंदरता के पीछे केवल मेरा आशीर्वाद नहीं था, बल्कि तुम लोगों के अंदर से निकलती हुई सात्विक ऊर्जा भी थी, जो इस जंगल को सुंदर बनाए रखती थी। लेकिन आज तुम लोगों के अंदर से वो सात्विक ऊर्जा राक्षसी ऊर्जा में बदल गई है, इसीलिए आज मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। मगर जाते जाते प्रकृति देवी कुछ कहकर जाती है, मैं खुलकर तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर समझ सको तो समझ लो कि तुम लोग निर्दोष हो, तथास्तु। देवी के जाने के बाद दोनों गुट गहरी सोच में पड़ जाते हैं। काफी समय तक उन्हें समझ में नहीं आता कि देवी क्या भूल कर गई हैं। देवी के नाराज होकर जाने के बाद हरे भरे जंगल में अचानक पतझड़ आ जाता है, जिससे सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी चालाक लोमड़ी आकर शेरनी से कहती है, एक बात कहूँ महारानी, मुझे लगता है हमारे बीच फूट पड़वाने में किसी की साजिश है। क्या मतलब? मुझे उस धनी सिंह पर शक है, जो कुछ समय पहले हमारा जंगल हथियाने आया था। लोमड़ी की बात शेरनी को आसानी से समझ में आ जाती है। वो फौरन जग्गू से मिलती है। जग्गू महाराज, हमें लगता है कि हमें लड़वाने में उस धनी सिंह की चाल है। वो हमें फूट डालकर जंगल को हथियाना चाहता है। मैं भी तुमसे यही बात करना चाहता था महारानी, मुझे भी उस धनी राम पर इसी बात का शक था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? धनी राम को हम उसी की चाल में फंसा देंगे। अब शेरनी और जग्गू एक होकर एक प्लान बनाकर धनी सिंह को जंगल में बुलाते हैं। मुझे पता था तुम मुझे जरूर बुलाओगे सरदार, बोलो क्या करना है? मैं तुम्हें जंगल देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे ढेर सारा धन चाहिए। मिल जाएगा, मगर उस शेरनी का क्या करेंगे? शेरनी को मैं समझा दूंगा, और अगर नहीं समझी तो मार दूंगा। काफी समझदार हो सरदार, यही चाल तो मैंने चली थी, मगर तुम सयाने हो इसीलिए मरने से पहले समझ गए। तुम उसके हिस्से का भी धन साथ लेकर आना। उसके लिए धन क्यों? अरे भाई, उसके लिए तो जिंदगी भर ताज़ा ताज़ा मांस खिलाने की बात हुई है।
आप समझे नहीं सेठ, आप उन्हें धन दे देना और उसी धन से उन्हें ताजा ताजा मांस खिलाने की जिम्मेदारी हमारी, समझ गए? धनी राम जग्गू से डील करके चला जाता है और अगले दिन करोड़ों रुपए लेकर जंगल में आता है। वाह शेरनी, आखिर तुम मान ही गई। नहीं मानी होती तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, इसीलिए मानना ही पड़ा। तुम दोनों काफी समझदार हो, वरना शेर सिंह की तरह तुम दोनों भी मारे जाते। शेर सिंह की तरह क्या मतलब है? अरे भाई, शेर सिंह को हमने ही मारा था, मारा हमने और बिल फटा तुम्हारे नाम का। वरना मेरे प्लान के अनुसार तुम दोनों आपस में लड़के ही मर जाते। फिर धनी राम जग्गू और शेरनी को अपने प्लान के बारे में बताता है। ये सुनकर शेरनी की आंखों से अंगारे फूटने लगते हैं। इसका मतलब शेर सिंह को मारकर हम दोनों गुटों में फूट डलवाने वाले तुम ही हो। हाँ, मगर मैं तुम्हें इतना धन दे रहा हूँ जिससे तुम दूसरी शादी करके आराम से अपना जीवन जी सकती हो। धनी राम, शायद तुम भूल गया है, हम जानवर लोगों के लिए तेरे नोटों के बंडल सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। हाँ, मगर तुम्हें भी पैसे देने की डील जग्गू ने की थी, इसीलिए मैं ढेर सारा धन लेकर आया हूँ। धनी राम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तुम्हें लगता है तू अपनी मर्जी से यहाँ आया है? तू यहाँ आया नहीं, तुझे लाया गया है। क्या मतलब? जब हमें पता चला कि हमारी दोस्ती में तूने ही दरार डाली है, तब हमने तुझे धोखे से यहाँ पर बुलाने का प्लान बनाया और तू बड़ी आसानी से प्लान में फंस भी गया। अब हम तेरा सारा धन लूट लेंगे और तुझे भी खा जाएंगे। फिर पलक झपकते ही सारे आदिवासी धनी सिंह का सारा धन लूट लेते हैं और सारे प्राणी मिलकर धनी सिंह और उसके साथियों को मारकर खा जाते हैं। उस दिन के बाद उन्हें एकता की ताकत समझ में आ जाती है कि जो एक है उसे कोई नहीं हरा सकता। देखा शेरनी, प्रकृति देवी हमें यही समझाना चाहती थी कि अगर हम एक होंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, आज के बाद हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। सच्चाई तुम्हें समझ में आ गई, ये जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। देवी माँ को वापस आया देख सब खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद सब मिलजुल कर जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।